এনডিএ যে সমর্থিত যিনি প্রত্যাশিত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যিনি যাকে চয়ন করা হয়েছে ভারতবর্ষের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, এটা অনেক বড় বিষয়, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য, আদিবাসীদের জন্য। যে প্রথম কোনো আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে বিশেষ করে একজন মহিলা হিসেবে ওনাকে দেশের সর্বোচ্চ যে নাগরিক সম্মান ওনাকে দেওয়ার জন্য চিন্তা করা হয়েছে আদরণীয় দ্রৌপদী মুর্মুজি, ওনার পুরো সম্পূর্ণ জীবনটা যদি আমরা দেখি, সংঘর্ষ পরিপূর্ণ জীবন, বিভিন্ন কঠিন অবস্থার মধ্যে সম্মুখীন হয়েও আজ উনি এই জায়গায় এসেছেন, এটা অনেক বড় মাত্রা, অনেক বড় বার্তা আমাদের জন্য রাখে। আজকে সবাই আমরা প্রত্যেকে যারা আছি আজ অধীর অপেক্ষায় আছি কখন উনি আসবেন। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদ নিতে উনি আসছেন, এবং যারা এখানে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় যারা মন্ত্রীগণ আছেন, যারা বিধায়কগণ আছেন, প্রত্যেকেরই সমর্থন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এক একজন নাগরিকদের ভালোবাসা নেওয়ার জন্য উনি আজ আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উনি এসে পদার্পণ করবেন, আমরা আছি অধীর অপেক্ষায় ওনাকে স্বাগত জানাবার জন্য। हमारा एनडीए गवर्नमेंट डिसाइड किया है इस बार महिला और एक आदिवासी महिला प्रथम बार राष्ट्रपति होना जारी है। यही इंडिया एनडीए गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन में बी.आर. अम्बेडकर लिखा है वहाँ पे महिला पुरुष और सब जातियों का हक है। इसको अभी बहुत देरी है, हम लोग का डायनेमिक लीडरशिप नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, तो आज वहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आ रही हूँ हमारा द्रौपदी मुर्मू जी, इसको हम लोग सब स्वागत कर रही हूँ। और पीपल वो वोट में वो राष्ट्रपति विजयी होगा, यही हमारा आवेदन है। और इंडियन सिटीजन और टीका तरफ से तो हम लोग वहाँ पे सब मौजूद हुआ है, इसको वेलकम करना और शुभेच्छा जाना। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला टीका में और ओवरऑल इंडिया एक्रॉस द कंट्री पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ट्रैंक्विलिटी इंटीग्रिटी और भी एस्टेब्लिश होगा डायनेमिक लीडरशिप मोदी जी का उसका जो इंडिया गवर्नमेंट 2014 से इंडिया गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट चला रही हो वो सारा नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड वाइड में भी अभी इंडिया का डायनेमिक लीडर का सब जगह में एक्सेप्टेबल है और बहुत ऑनरेबल है, वही आज त्रिपुरा में भी होना जा रही है। तो आज का ये पदार्पण ये भविष्य का और भी उन्नति का पदार्पण है, और हम लोग विश्वास करता हूँ इंडिया ए डेमोक्रेसी कंट्री और सेकुलर कंट्री और सोशलिस्ट कंट्री, वहाँ पे यूनिटी इंटीग्रिटी है और सब जाति धर्म भाषा का अधिकार है, इसको लागू कर रही है। 73 ईयर्स के बाद इंडिया गवर्नमेंट डायनेमिक लीडरशिप का थ्रू से अभी ये इंडिया और भी आगे बढ़ रही है, इसलिए हम आज बहुत खुश हैं। ये टीका का छोटा सा एक स्टेप का होने के नाते हम वहाँ पे जितना भी हम लोग का त्रिपुरा का सिटीजन इंडिया का सिटीजन वहाँ पे एकता हम लोग वेलकम कर रही है, और आने वाला दिन में उसके हम राष्ट्रपति के हिसाब से देश का और भी आगे और धार्मिक हम लोग का आने वाला दिन में मिलेगा। थैंक यू।